भाकपा बनावट एरिया कमेटी की ओर से आज राज्य के सतरूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस एवं केंद्र की बीजेपी सरकार के सांप्रदायिकता एवं दुर्व्यवहार भ्रष्टाचार के विरोध में बानहाट तरुण संघ मैदान में समावेश करते हुए विरोध रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में बानहाट प्रखंड इलाके के CPIM कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित हुए। रैली में हिंसा मुक्त एवं सही समय पर पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करने की दावी को भी रखा गया। CPIM की इस समावेश में स्थानीय कई मुद्दे, बानहाट को ब्लॉक बनाए जाने के बावजूद भी कई प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त नहीं होने का आरोप भी CPIM द्वारा लगाया गया। आज के इस रैली में CPIM की शाखा संगठन CITU, ऑल इंडिया किसान सभा, क्षेत्र मजदूर संगठन DYFI के कार्यकर्ता, नेतागण, समर्थक भी उपस्थित थे। रैली में चाय बगान मजदूर यूनियन जिला कमेटी के सचिव एवं प्रवीण माकपा नेता जियाउल आलम, CPIM जिला कमेटी के सदस्य तिलक छेत्री, भूतपूर्व विधायक सुखमीत उराव, बानहाट CPIM एरिया कमेटी के सचिव दीपक कुंडू, DBIF नेता अजय महली, अधेंदु राहा, माकपा नेत्री एवं आगरा भाषा 2 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान पार्वती छेत्री ने मुख्य रूप से नेतृत्व दिया। शुक्रवार को CPIM की रैली तरुण संघ मैदान से शुरू होते हुए बानहाट बाजार थाना रोड होते हुए माकपा पार्टी कार्यालय में जाकर समाप्त हुई। माकपा नेता जियाउल आलम ने क्या कहा, देखते रहिए NEI डोस न्यूज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहिए। आज के की विषय नहीं है इटा रैली, बस पूरे बंगाल में जो होते रहा है उसी हालत को सुधारने के लिए अभी CPIM पार्टी को मैदान पर हर रोज उतारना पड़ रहा है कि आम जनता को इससे कुछ भरोसा मिले कि बंगाल के हालत इतने नाजुक, इतने खराब, इतने दुर्नीति, दुष्कृति, लूटपाट से भरा हुआ है। और अभी जो ज़मीन का आईन विधानसभा में संशोधन किया, उससे देखा जा रहा है हमारे इस इलाका में टी इंडस्ट्री की ऊपर में भी बहुत बड़ा एक चोट आके पहुँचेगा। जबकि इस बाज़ार, बस्ती, चाय बगान की जो सदियों से बैठा हुआ है, उनका ज़मीन का हक अभी तक नहीं मिला। और ये जो नया ब्लॉक हुआ है, यहाँ पर कोई परिकाठामो तैयार नहीं हुआ। थोड़ा पानी आने से, बाढ़ आने से हर बगान डूब जाते हैं, चौपल डूब जाते हैं। तो अभी का परिस्थिति में देखा जा रहा है जैसे कि चीज बीज का भाव, जो स्कूल कॉलेज में टीचर नहीं है, इससे ये प्रांतिक इलाका में बंगाल की परिस्थिति इतने ख़राब है। और इस परिस्थिति में जो सांप्रदायिक राजनीति का भावना को छेड़ रहा है तृणमूल और BJP, जिससे आम गरीबों के भीतर में एक भड़काव पैदा करने का एक तैयार कर रहा है। तो हमारा जो आज का जुलूस का मेन ये है कि पंचायत चुनाव सही समय में शांतिपूर्ण ढंग से करो। इस चैलेंज CPIM पार्टी, वामपंथी लोग, गैर जो तृणमूल गैर BJP है, हम लेते हैं कि हम सुधार लेंगे। महोदय, अभी फिलहाल मिनिमम वेजेज वाला जो नहीं, ये जो 100 डेज का काम जो बंद होके पड़ा हुआ है, ये हमारे एक हक का चीज़ है। इसको कोई बंद नहीं कर सकते हैं, इसको खोलना पड़ेगा किसी हालत में। जो काम किया हुआ पैसा अटका हुआ है, ये पूजा गया, काल ईद है, जो काम किया हुआ पैसा अभी तक किसी को मिला नहीं। तो 18 रुपया जो चाय श्रमिकों का जो अभी बड़ा, पता नहीं वो बंगाल गवर्नमेंट क्या क्या इंटरिम बोलते रहता है, लेकिन अपना जिम्मेवारी जो है, जो और प्रांत में 450 रुपया चाय बगान के मजदूरी है, लेकिन इधर और बंगाल में और असम में BJP या तृणमूल जहाँ है वहाँ सबसे कम मजदूरी है। कोई हक नहीं है, जुलूम है मालिक लोगों का काफ़ी। तो इस परिस्थिति में हर मोहल्ला में हमारा एक ही आवाज़ है, हर बूथ में हमारा एक ही आवाज़ है कि पंचायत चुनाव इसको अविलंब नोटिफिकेशन करो, सही समय में करो और वोट आम जनता के हित के लिए दुर्नीति और दुष्कृति मुक्त गैर BJP गैर तृणमूल का वोट हम चाहते हैं तैयार करके बंगाल को फिर ठीक लाइन पर लाने के लिए। इस उद्देश्य बस जिस तरीका से उभर के आ रहा है, आपने सागरदीघी देख लिया, वो कोई पुलिस को डरता नहीं जनता ने, सरकारी कोई लोभ लालची का जो स्कीम है उस पे डरता नहीं है। मेन जो है वो चाहते हैं बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति का बदलाव। ये आम जनता ने चैलेंज ले लिया, वो वोट होने से ही इधर का जितने भी है
बोर्ड, चाहे चामुर्ची हो, चाहे बानाराट हो, चाहे आंगड़ा भाषा एक तो वामपंथी लोग चला ही रहा है, आंगड़ा भाषा दो हो, गैरकाटा हो, चामुर्ची हो, सब जगह पर ही है कि विगत चुनाव में जैसे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में वो नहीं है, वो सब अभी जेल में घुस गया और जेल में घुसेगा, उसका उतना अभी और उनका ये नहीं है, क्षमता नहीं है, और अगर होगा भी तो वो जनता ने द्वार्स में संभाल लोग जीत पाएंगे। हाँ हाँ, आप देख लीजिएगा द्वार्स इलाका में ही तो जीता हुआ है, बीजेपी को जिताएगा क्यों, बीजेपी जीत के भी अपना बोर्ड चला नहीं सक रहा है, सब बिक गया। आप लोग जो पंचायत चुनाव, नहीं नहीं नहीं, गैर बीजेपी गैर तृणमूल का आम तौर पर कस के जोट होगा, किसके साथ, जनता का जोट होगा, कांग्रेस के साथ में क्या गठबंधन, सब जो जहां पर है सब एक साथ उठेगा। अच्छा, बानरहाट में एक पार्किंग को लेकर यहां पे पुलिस का बैठक हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, और देखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा लोग जो कार वगैरह मार्केटिंग करने के लिए आते हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, काफ़ी खाली पार्किंग नहीं, पार्किंग ड्रेन कुछ भी आप बोलो, कोई जनता का जो परिसेवा होता है ना सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए, बाज़ार में दुकानदारों के लिए जो परिसेवा होते हैं, कोई उस तरीका का आप टॉयलेट, कोई यूरिनल, कोई रेस्ट शेड आप नहीं पाएंगे, सब दखल हो जाते हैं सब जगह पर, और कई प्रकल्प आते भी हैं इनके लिए, वो पैसा सब खा जाते हैं। ये लुटेरा राज को परिवर्तन करना ही आज का जुलूस का मेन उद्देश्य है, पंचायत चुनाव सही टाइम पर कराने के लिए।